तो भाई बहनों, आज हमारे बीच में जो अतिथि स्वरूप बैठे छन उनको नाम से धीरेन्द्र शर्मा। ये धीरेन्द्र शर्मा जी एक उभरता हुआ राइजिंग लाफ्टर स्टार, आप बोल सकते हो पड़े राइजिंग लाफ्टर स्टार उत्तराखंड का। धीरे धीरे करके उत्तराखंड में बहुत काम हो बैठ गया। धीरे धीरे करके हमारा जो कलाकार लोग दिखे बैठ गए मुख्यतर आठ बैठ गए, यह उत्तराखंड के वास्ता एक बहुत ही अच्छी बात है। तो धीरेन्द्र शर्मा जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। तो ठीक है, चलो आजकल बस बगुड़ जी, आजकल भाई हमारे काम तो जब का हमारा गढ़वाली भाई भाड़ा चैनल उठे हैसाणो को, हम तो जाके जान के हैसे हैसे के भाई आजकल तो पैसा ही मिलो तो हैसाणो को मिलो जा तो आजकल तो नहीं हो चुकी। अच्छा चलो, तो सबसे पहले आपकी कला जनता तक पहुंचा दो। नमस्कार दगड़ियों, धीरेन्द्र शर्मा को आप सब थे हार्दिक नमस्कार। और दगड़ियों, आज आप सबक बीच में देखी मैं तो इतना खुशी होनी चाह कि भगवान देखने वालों हम थे तो आशीर्वाद देने वालों, और इन्हीं आशीर्वाद में तो एक बोटल दे चाहिए जो मैं तो याद चे एक बार बात दगड़ियों मैं कहा कि जानो चाहिए और वक एक छोटी बुढ़ी वेल मेर सोलार खिचड़ बढ़िया है बाबा मैं तो सड़क पार कर दे बेटा, मिल आगे नहीं दिया का पीछे नहीं दिया का कोई नहीं दिखे जब मिल दिया का तो इधर से बुढ़ी और मैं सोलार खिचड़ी मिल बार बॉडी चिंता नहीं कार मैं तो सड़क पार करो लू और जब मिल बॉडी थे खुचल मिली आई और सड़क पार करू चाहे एक कम पीछे बैठा गया ट्रैफिक पुलिस वालू और वो कहू यार तुमको सुनाई नहीं दे रहा थी देर से सीटी बजा रहा हूं मैं बॉडी वाल बेटा जब को एक दा सीटी मार दो छाई तो मैं यार पूरे बदन खल बली मच जाए छाई बेटा आप तो बुढ़ी हो गया तो सीटी मार भोपो हो जाए अरण सिंह वाला कोई फर्क नहीं तुम बेटा। बीड़ी जल ले जिगर से पिया जिगर में बड़ी आग है जिगर में बड़ी आग है। अब तकड़ी हो मैं सुझू छो कि अब जिगर में इतना आग चाहिए तो किला चाहो हम लकड़ा जगाना गैस फुकड़ा या मटतेल फुकड़ा सी जिगड़ी में खाड़ भी बना लींदा। अब सोचो तकड़ो अगर इन जालू और तुम्हारे घर में कोई मेहमान है जालू तो तुम बोलो ओहो नमस्कार भाई साहब नमस्कार नमस्कार आओ साहब बैठा अरे साहब इनका रहा तुम पोड़ जा मिल तुम्हारे जिगड़ू तुम खड़े चा बना। और सोचो दगड़े हो पति देव ड्यूटी करी घर आना छन झट खाड़ दे रहे बहुत भूख लगी तो कजन बोलना आज खाड़ में किले आज मटतेल खत्म हो गया अब तुम इनकार तुम पोड़ जा मिल तुम मर्जी कर तुम खड़े खाड़ बनाना। तो सोचो दगड़ो इन इन गीत आया छन उत्तराखंड मा हमर गढ़वाल मा जब सवेर सवेर लेख आंख खुल दिन सियारे तो हम आंख खुल दिन तो चकलियों की और गौर बच्चों की आवाज सुने दा कन अरे चकलों की आवाज सुने इन आवाज सुने ना अरे बकरों की और सुबह ले कोई कुकर पूछ पर खुटा देर जाता बोले और सब कुकुर कान कर दो अर्धा गड़े ये बात पर देखा तुम अगर सुबेर ले जब सिख उठता तो सुबेर सुबेर आवाज सुने इंदिका ने कबाड़ी वाला कूड़े वाला तो एक आप लोग इंस्ट्रूमेंट बरात बरात का जो है साउंड निकल दो। बिल्कुल जी, है ना। तो मैं चाहूंगा कि जरा दो चार साउंड जो है आप बताओ। अब जन की आप देख दो घरिया बैंड अरे प्रदेश में बैंड मा प्रदेश में जब भी होंगे तो वक्त एक गीत हर हर भी होगा एक गीत जरूर बजती वे कौन च आज मेरी यार की शादी है। और हमारे गढ़वाल में भीड़ पाको बार मासा जेल तो बजने बजने से और कन बजते मैं बता दू घर में भी होंगे तो ये बज दू प्रदेश में और गढ़वाल में भी होंगे तो कन सुने दू
क्या बात है, क्या बात है। अच्छा ये काला वक्त का इंस्ट्रूमेंट आप आगे बिधर सन इंस्ट्रूमेंट तो बहुत छन जी हमारे गढ़वाल को हुड़की मेरे भीतर समय ही चा अच्छा गिटार भी समय ही चा अच्छा अच्छा और शहनाई भी गया तुतुर भी गया अच्छा बहुत इंस्ट्रूमेंट मेरे भीतर मतलब जो है कि नेता लोग जो छन वो रोड़ी खाना चना सड़क खाना चना बिल्डिंग खाना चना हम बैठ खाना चो तो म्यूजिक रे खाना चो बिल्कुल सर चलो दो चार और सुनाओ दो और मतलब कंचो पिपरी पुपरी राजा महाराजा आंदा छा तो स्वागत राजा महाराजा प्रताप सिंह पधार रहे हैं अरकन भज है क्या बात है बहुत ही खूब बहुत और हुड़की जो हमारे गढ़वाल की हुड़की चुवे की आवाज कंचे अच्छा धीरेन्द्र जी हाँ जी जनकी आजकल उत्तराखंड एक हास्य कलाकार तो दिखे नहीं जाता कि ना है ना और हर कोई जो सिंगर बन जादो हर कोई वो जादो ये हास्य में बहुत कम स्कोप छन जो ये माँ आदि कुछ काम कर सको आप ये लाइन हास्य के लिए जो देखा बगोड़ जी आज एक टाइम पर दुनिया जत का लोग छन भीतर बैठे हर कोई दुखी छे दुखी तो हम भी रहे पर हमारी मुखड़ी इन चा तुम रूण विचारो छो पर हैसल ए जान हम देखी तो हम चाहता छो कि जत का भी लोग छन परेशान छन लोग उते उनके दिल में जर से खुशी हैसे आ जाता हम थे वैसे दुगनी खुशी आ जाती अच्छा तो हमारे जी बोल दो कि जत का भी लोग छन कोई परेशान नहीं होया सब हैसल आ रहा चाहे छोटा बच्चा हुआ चाहे नेता हुआ चाहे कोई भी हुआ सब हैसल रहा हम थे बहुत खुशी मिलती तभी हम आपके गढ़वाल जाना छो कभी हरियाणा पंजाब राजस्थान कई जगह जाना छो और सब तक हैसान खड़ेगी तो हमारी इच्छा होती कि सब हैसा कोई दुखी नहीं रहा हमारा उत्तराखंड भाई बिना सब हैस दे रहा अच्छा तो आप ही जो कार्यक्रम कर दो गढ़वाली भाषा में ही कर दो हाँ गढ़वाली भाषा में कर दो और मैं हिंदी में भी कर दो अच्छा हाँ हिंदी प्रोग्राम जान दो मैं वक्त भी कर दो जानक हरियाणा भे गया पंजाब भे गया अच्छा। राजस्थान तो हिंदी में भी कर दो मैं तो हम चाहना चाहो कि हमारे गढ़वाली भाई बहना नहीं जित का भी लोग छन सब तो है सड़क अच्छा आप एक एक सवाल में आपसे पूछना चाह दू कि जब काम करना छो आप गढ़वाल में तो कत का काम आजकल गढ़वाल में सीरियल बटे लेकी यार फिल्म बटे लेकी यार कथी और बटे लेकी आज के टाइम पर तो फिल्म भी बहुत गढ़वाली आनी छन गढ़वाली होगी सीरियल होगी और ये खुशी होंगी हम थे कि चलो हमारे गढ़वाल हमारे उत्तराखंड को जो प्रोग्राम होनु चा गाना एल्बम फिल्म अग्नि आने छन तो मैं चाहू छो कि और अग्नि आ जाए और हमारे दिल्ली में दूर दूर तक जितना प्रदेश छन सब जगह गढ़वाली भाषा दिखेण चैनी क्योंकि फिल्म गढ़वाल बार में आज के टाइम पर गढ़वाल में क्या होने कुछ पता नहीं चल दू पर जब दिखाना जब फिल्म दिखाना तुम ला तभी तो पता चलो हमते अच्छा धीरेन्द्र शर्मा जी हाँ जी आपका जो गढ़ प्रेम छे ये गढ़ प्रेम का वास्ता और के का कना छो देखे जी हमारे गढ़वाल में हमारे गोम हमारे जो घर छे कूड छे उमरु वो टूट्यो छे कि लेकिन कोई रहन दुनी तो टूटन छे वेलो अच्छा अच्छा हाँ हाँ तो अब हम क्या कर दो कभी साल में तीन महीनों में घर जान दो और जब कभी हम कमाई कर दो महीने में जरस जरस बचे की अपनी कूड़ी कूड़ी जो वे तो हम रिपेयर कर दो तो नहीं नहीं यह भी एक बड़ी बात चाहिए कि चलो आप जितना भी कमाई करना चाहो वे मैं एक बजट आप आपको अपन मकान अपने घर हाँ बिल्कुल जान की अब मेरी एक नोन चे तो वो खड़े में महीना महीना पैसा बचाऊ छो उन्हीं जन मेरी नोन चे उन्हीं मेरा कूड़ चे बिल्कुल बिल्कुल तो वो खड़े में जरूर पैसा बचा दो आजकल आप तो पता है कि प्रदेश में कमाई कमाई तो कुछ है नहीं और महंगाई इतनी हुई चा कि सब हाट सब फटी हो रहे थे किस भी सिलेंडर का पैसा नहीं होती ना तो हम जरा जरा पैसा बचे कि अपने घर पुंगड़ी बना खड़े इकट्ठा कर दो हाँ पुंगड़ी में जो भीड़ा भूड़ा जो लमड़िया वाला होते हाँ धैर्य दूरी है धैर्य दूरी की पुंगड़ी वगैरह यह एक बड़ी बात है यो एक बहुत बड़ा काम करना चाहिए कि धीरेन्द्र जी बेशक दिल्ली में रहना चाहिए
यूं को परिवार दिल्ली में यूं का माँ बाप जो छो बचपन में यूं थे लेके गए छा, लेकिन आज जब यूं थे अकल आई, अकल आना का बाद में यूं थे लगे कि हाँ यार हम थे पड़े गढ़वाल जी टेक केयर कर चैनी से। ये हर महीना जतक भी यूं थे पैसा मिलते नहीं ये पहाड़ में जन्दे और वही पूरी पूरी से रिपेयर करी गए जन्दे पुगड़ियों में जो जो बेड़ा धेरी का जन्दे मकान थे पेंट पुंट करी गए जन्दे या तक कि अपना जो घर में चचाताओं का बीना होना उजाड़ उजाड़ जो हुए रहें जो घास वगैरह डंडली में गुठे गुठेरी में उजड़े दो उपाड़ी दिन देना पुगड़ियों का लीप लाभेगी ऐ जन्दे यू यू के बहुत बड़ी खासियत है ये का वास्ता तह दिल से मैं आपको आभार व्यक्त कर दूँ। और तमाम उत्तराखंडी जत का बहुत बड़ा आपको मैसेज देना चाहूँ कि वाकई एक हास्य कलाकार जो हास्य कलाकार रहें वे को अंदर सबसे ज्यादा दर्द हो। चलिए थोड़ा आपका बारे में पूछता हूँ कि आजकल काफी आप हिंदी सीरियल वगैरह भी करना चाहो गढ़वल फिल्म वगैरह तो क्या लगो आप थे गढ़वल ये को जो हमारे जो फिल्म लाइन जा फिल्म इंडस्ट्री च ये को क्या भविष्य दिखाना चाहिए दूर तक देखा जी फिल्म इंडस्ट्री हमारे इंच की आगे न चली गई जनवर मुंबई एक फिल्म सिटी चाहिए आज के टाइम पर मुंबई सबसे बड़ी फिल्म सिटी जाने जाती है पर धीरे धीरे अगर इन चल रहा हो तो हमारे उत्तराखंड भी आज हालांकि आज हर जगह कि लेकिन हमारे उत्तराखंड में चार धाम हमारे उत्तराखंड में छन गंगोत्री जमलोत्री बद्रीनाथ केदारनाथ और भारत का भी नहीं भैर का भी घूमने खड़े उत्तराखंड में आंदा छन। अगर ये और अगने बढ़ जा लू तो मैं तो लगन चाहे कि मुंबई फिल्म सिटी से फेल कर दू देना नहीं देखो फेल जन भी हो हमर काम चल जाओ हम जो चिन्ह जन धीरे धीरे सीरियल बना चाहिए आजकल लोग पायलट बहुत बनाना चाहिए लेकिन कल सीरियल चैनल शुरू होगी ना चैनल में काम होने बैठ गया तो धीरे धीरे यू राइजिंग हो धीरे धीरे कलाकार राइजिंग होना चाहिए धीरे धीरे अपनी फिल्म इंडस्ट्री जो राइजिंग होनी चाहिए। तो धीरेन्द्र शर्मा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कलयुग की नारद मानो को आपने समय निकाली बिल्कुल जी और हम प्रयास कर ला कि आपकी जो जो आपको सबसे बड़ो काम छ कि आप उत्तराखंड में लगातार जाना छो अपन कोरी पुगड़ी बेशक रहना नहीं छो लेकिन रिपेयर करना छो अपन बोली भाषा से सीखना छो और सिखाना छो यह एक बहुत बड़ी बात है। तो कलयुगी नारद मानो को आपको बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद बगोड़ जी और हमारे इज्जत का उत्तराखंड भाई बहना है ना वो सब तय धीरेन्द्र शर्मा को नमस्कार नमस्कार।